आखिर लाइफ में इतनी फेलियर्स क्यों हैं, इतना दुख और इतना दर्द क्यों है, और लाइफ का ये पेन है क्या जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को अंदर से खोखला कर देता है। हमारी लाइफ से जुड़ी हर एक चीज़ किसी न किसी तरीके से हमें दुखी ज़रूर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुख को समझ ही नहीं पाए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पेन को हम फील करते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो? और अगर हम उसके एक्चुअल एग्जिस्टेंस को समझ लें तो शायद हम उसे जीत लें, शायद वो हमें इम्पैक्ट ही ना कर पाए। तो ये पेन है क्या? लाइफ की फेलियर्स पेन क्यों जनरेट करती हैं? पेन के एक्चुअल एग्जिस्टेंस को समझने के लिए इस साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जर्नी पे मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका खुद को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। हमें लाइफ में हर मोड़ पे दुख क्यों मिलता है? एक बात अपने दिमाग में प्रोग्राम कर लीजिए, अपने दिमाग को समझा दीजिए कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा फेलियर हो रहा है जिसे आप भविष्य में रिकवर कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी छोटी सी हार हो रही है जो फ्यूचर में आप मेकअप कर सकते हैं, तो वो फेलियर में काउंट नहीं होती है और वो किसी भी तरह के पेन को जनरेट नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ लाइफ का स्ट्रगल है और लाइफ एक जर्नी है। इस जर्नी में स्ट्रगल्स तो होंगे ही होंगे। इस तरह की अड़चने आपके लाइफ में किसी भी टाइप का पेन डेवलप नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन से दुखी हो जा रहे हैं तो शायद आप फेलियर और पेन को समझते ही नहीं हैं। ये जो भी टेम्प्रेरी फेलियर्स हैं ये आप बाद में रिकवर कर ले जाएंगे। आप एक न एक दिन दोबारा अटेम्प्ट करके सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो इस हिसाब से किसी भी तरह का पेन डेवलप होना ही नहीं चाहिए। अगर इसके बावजूद भी पेन डेवलप हो रहा है तो वो इसलिए क्योंकि आपको फेलियर की समझ ही नहीं है। जैसे ही आप अपनी डेली लाइफ के इन छोटे मोटे फेलियर्स को फेलियर मानना बंद कर देंगे, आपको पेन होना भी बंद हो जाएगा। ये डेली लाइफ की चीज़ें जो आपको दुखी कर देती हैं, ये लाइफ का दुख नहीं है, ये लाइफ का स्ट्रगल है। और लाइफ एक जर्नी है जिसमें स्ट्रगल तो होगा ही होगा, और बिना स्ट्रगल के आप लाइफ में कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस लाइफ में आने वाली जर्नी का मज़ा ही नहीं ले पाएंगे। अगर आप अपनी पास्ट लाइफ में झांक के देखें तो जब जब आपने एक्सट्रीम स्ट्रगल किया है तब तब आप और स्ट्रांग होके बाहर आए हैं। आपका पोटेंशियल बढ़ गया है, आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ गई है और आपकी स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ दुख जनरेट करे तो आप वहीं रुक जाएं, अपने दिमाग से बातें करें, उससे पूछें कि क्या ये फेलियर है, क्या फ्यूचर में किसी पॉइंट पे इसकी रिकवरी हो सकती है। अगर हाँ तो ये लाइफ की एक जर्नी का एक पार्ट है, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आप पेड़ पौधों की तरह स्टैग्नेंट जिंदगी तो नहीं जीना चाहते होंगे। अगर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ही नहीं होंगे तो आप ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को और कैसे निखारेंगे। अब दूसरी बात आती है जब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेलियर आता है जो रिकवर हो ही नहीं सकता, एक परमानेंट लॉस, एक ऐसा लॉस जो आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ ही डिफीट कर दे। सिर्फ एक ऐसे फेलियर को ही हक है आपको दुखी करने का, आपकी ज़िंदगी में पेन ऐड करने का। यानी अगर आपका करंट फेलियर एक परमानेंट लॉस में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो आपके दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं है। अब आइए इस परमानेंट लॉस को समझते हैं, तब शायद हम डिकोड कर पाएंगे कि दुख क्या है। इस परमानेंट लॉस को समझने के लिए और ट्रू फेलियर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के पर्पस से अलाइन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये फेलियर एक्चुअल फेलियर है भी या नहीं। एक एग्ज़ाम में फेल होना कोई परमानेंट लॉस नहीं है। हो सकता है एग्ज़ाम में फेलियर आपका एक साल बर्बाद कर दे, लेकिन उस बर्बाद हो रहे एक साल में भी आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को लर्न करते रहेंगे, अपनी लाइफ में और मैच्योर होते रहेंगे। और एग्ज़ाम में फेलियर का मतलब लाइफ में फेलियर नहीं होता। आपकी लाइफ का पर्पज़ है आपके लाइफ में सक्सेसफुल होना, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में पास होके भी बिलियनियर्स नहीं बन पाते हैं, और बहुत सारे हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs हैं। सो आपकी लाइफ में इस तरह का फेलियर दुख जनरेट नहीं करना चाहिए। अगर वो दुख को जनरेट कर रहा है तो शायद आप फेलियर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसे आप फेलियर समझ रहे हैं शायद वो आपको सक्सेस के थोड़ा और करीब ले जा रहा है, शायद वो सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन है। तो आप खामखा ही दुखी हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपके सामने किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का फेलियर आ रहा है तो आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये परमानेंट लॉस है, क्या ये रिकवर हो ही नहीं सकता, क्या ये मेरी लाइफ के पर्पस को ही डिफीट कर रहा है, क्या फ्यूचर में मैं दोबारा मेकअप कर पाऊंगा,
अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसे फ्यूचर में रिकवर कर पाएंगे तो हंसते खेलते आगे बढ़ें। ये दुख दुख है ही नहीं, ये फेलियर फेलियर है ही नहीं, ये आपके लाइफ की जर्नी है। आपके लाइफ की जर्नी में आ रहे स्ट्रगल्स हैं, छोटे मोटे पत्थर हैं जो सड़क पर पड़े हैं, लेकिन सड़क बंद नहीं है, सड़क खुली है और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। लाइफ में परमानेंट लॉस की सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है, वो ये कि कोई आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए, एक ऐसी जगह जहाँ से वो वापस आ ही नहीं सकता। लाइफ में दुख सिर्फ यही है, बाकी सब कुछ स्ट्रगल है। ध्यान रहे, आपके लाइफ के स्ट्रगल आपको दुखी ना करें। ये लाइफ एंजॉय करने का टाइम होता है, लाइफ में सीखने का, आगे बढ़ने का और इन स्ट्रगल्स को भी एंजॉय करने का टाइम होता है। लाइफ के ये छोटे मोटे फेलियर्स दुख में ट्रांसलेट होने ही नहीं चाहिए। आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम करना पड़ेगा ताकि वो इन फेलियर्स को रिकग्नाइज कर पाए, इन छोटे मोटे स्ट्रगल्स को फेलियर्स ना समझे और दुखी ना हो। क्योंकि जो रियल दुख का रीज़न होता है, जो परमानेंट लॉस में कन्वर्ट होता है, वो परमानेंट लॉस जो कभी रिकवर हो ही नहीं सकता। किसी भी तरह के मटेरियल का लॉस परमानेंट लॉस नहीं होता है। परमानेंट लॉस सिर्फ वो होता है जब वो लोग जो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं वो आपसे दूर हो जाएं, इतना दूर कि वो वापस ना आ सकें। जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो लॉस जो इंसान की ज़िंदगी में पूरी तरह से परमानेंट होता है, जिसे आप लाख सक्सेसेस पाने के बाद भी रिकवर नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो लॉस ही दुख का कारण बन सकता है। बाकी सब जो दुख हैं वो दुख है ही नहीं। इसलिए अपने करंट लाइफ की फेलियर से, उन छोटी मोटी फेलियर से डेवलप हो रहे दुखों से खुद को आज़ाद करें, क्योंकि वो दुख एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो पेन जिसे आप फील कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो पेन सिर्फ एक फिलॉसफी है जिसे आपका दिमाग मान बैठा है। वो चीज़ें जो आपको पीछे खींच रही हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए आप खुद को पीछे खींच रहे हैं। अगर आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स, फेलियर्स और दुखों को समझने में और उनसे आज़ाद करने में मैंने आपकी ज़रा भी हेल्प की हो, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आप देख रहे थे द ट्रूथ बियॉन्ड यूनिवर्स और मैं हूँ कुमार प्रियांशु। फिर मिलेंगे। गुड बाय, कीप इन टच।